वैसे तो चर्म रोग कई प्रकार के होते हैं। चर्म रोग होने का प्रमुख कारण क्या है? आमतौर पर त्वचा के रोग रोम छिद्रों में गंदगी फंसने से बैक्टीरिया या फंगस के कारण होते हैं। किसी ऐसी चीज़ का सेवन कर लेना जिससे आपको एलर्जी हो सकती है या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाने के कारण भी त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्किन डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। आप भी अगर इस तरह की त्वचा रोग से परेशान हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। स्किन डिजीज किस कमी के कारण होता है? विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन त्वचा रोगों से बचने के लिए भी विटामिन डी बेहद ज़रूरी है। बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो त्वचा पर भी इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन का इलाज कैसे करें? यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरुआत में ही पहचान लिया जाए तो एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक क्रीम लगाकर इसका उपचार किया जा सकता है, लेकिन यदि यह शरीर के ज़्यादा हिस्से को प्रभावित कर देता है तो एंटीबायोटिक दवाओं को और डॉक्टर से परामर्श करना ज़रूरी होता है। एंटीबायोटिक्स लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उच्च अम्लीय खाद्य पदार्थ, खट्टे फल और जूस जैसे संतरे और अंगूर, सोडा, चॉकलेट और टमाटर उत्पादों में उच्च एसिड सामग्री होती है, जो कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के लिए आपके सिस्टम में अवशोषित होने वाली दवा की मात्रा को कम कर सकती है। तो आप भी अगर इस तरह की दवाओं का सेवन करते हैं स्किन डिजीज या एलर्जी के लिए, तो आपको इन पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि संक्रमण बैक्टीरियल है या वायरल? जीवाणु संक्रमण वायरल संक्रमण से किस प्रकार भिन्न है यह जानना मुश्किल हो सकता है कि संक्रमण का कारण क्या है, क्योंकि वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण समान लक्षण पैदा करते हैं। यह देखने के लिए आपको किस प्रकार का संक्रमण है, आपके डॉक्टर को आपके मूत्र, मल और रक्त में नमूने की जांच करनी होती है या नाक और गले से शराब की आवश्यकता हो सकती है, तो ये जांच भी ज़रूर कराएं। फंगल और बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में